वैसे तुम्हें जान लेनी कैसे? एक ही झटके में या फिर दर्द भरी? एक ही झटके में सर धड़ से अलग करना बहुत ही आसान मौत होगी। हम उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। फिर ये तलवार तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये खंजर तुम्हारे काम आएगा। इतनी हैरानी से मत देखो मर्जीना। मैदान जंग में दुश्मन तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। इससे पहले तुम कुछ सोच पाओ, तुम पे हमला कर देगा तो क्या करोगी? जब जंग असली है तो हथियार भी असली होने चाहिए। बहुत खूब। उसे तड़पा तड़पा कर भी मार सकती हो, लेकिन उसे एक ही झटके में दर्दनाक मौत भी दे सकती हो। बस अपने दुश्मन पर हमला करो, फिर तड़प तड़प के उसकी मौत होगी। फिर तुम उसकी दर्द भरी चीखों की आवाज भी सुन सकती हो और उसकी आंखों में मौत का खौफ भी देख सकती हो। मेरे प्यार को भूलकर तुम इस मर्जीना के साथ इश्क लड़ा रहे हो। अली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बच्चों के सोने के बाद हम चुपके से सद्दाम की खोज में बाहर जाएंगे और उसके मिलते ही खंजर से उसको मार डालेंगे। ये मर्जीना आपा तो घर से गोंद की तरह चिपक गई है। ना तो ये वापस जा रही है और ना ही कनीज का काम कर रही है। बाबा को ये सारा काम करना पड़ता है। पोया, तेरा टोटका किसी काम का नहीं है। बड़ा आया था टोटका लेके। इस टोटका को देख के शैतानी साया भाग जाते हैं। देख, वो अभी भी यही है हमारे साथ। ये देखो, अगर इस हाथ से किसी भी चीज पर ऐसे थपथपाते हो तो ये आवाज किसी से मदद मांगने का पैगाम बन सकती है। अबरू चाचा ने तुझे बेवकूफ बनाया है पोया, तेरा टोटका बकवास है। छपरू चाचा, आपने एक बच्चे के जज्बात का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। इसको देखकर शैतान शायद तो नहीं भागा, लेकिन आप जरूर मुझको देखकर भाग जाएंगे। बच्चे सो गए, अब हमें अमन सराय जाना चाहिए उस सत्ताम को मारने। मुझे भी उस शातिर जादूगर और बच्चे को तलाशना होगा। इसका सच जानने के लिए इस घर की तलाशी लेनी होगी, यही सही मौका है। किसी की बात नहीं सुनता पोया। पापा ने घर से बाहर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी चला गया। न जाने कहाँ चला गया पोया। जब चाचा, ये कैसा टोटका बनाया आपने? आपने बोला था कि टोटका देकर शैतानी शायद चप्पल छोड़कर भाग जाएगी, वो तो गई नहीं, अभी तक घर पर ही है। ये क्या बकवास है? भाई तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये क्या बकवास है, किसी काम का नहीं आपका टोटका। पकड़ो इसे। और हाँ, अब से मैं आपकी शर्त भी नहीं मानूंगा। आऊंगा आपकी बकरियों का दूध लेने। तो मेरी बकरियों का दूध फिर से चुराएगा? इसमें चुराने की क्या बात है, बल्कि आपको तो हमें मुफ्त में देना चाहिए। साझा तो खुद ही पी जाते हैं। और कितने बड़े होंगे आप? बड़े होने की जरूरत तो हमें, इसलिए दूध पीने का हमारा है। कल मैं आऊंगा बकरियों का दूध लेने, समझे आप? क्या जोर जबरदस्ती है? मिल गया मोटा बच्चा। जादूगर का सच जानने के लिए मुझे इसका भी अक्स बनाना होगा। हाकिम शिवाजा ने पोया को पकड़ रखा है, हमें पोया को बचाना होगा। सद्दाम, तू हमारी तलाश में परवास तक आया है। हमारा वादा है तुझसे कि ये तेरी आखिरी तलाश होगी। मेरी आंखों में देखो अच्छे बच्चे, अब मैं इस जादुई नायाब सिंह बादशाह का भी अक्स बनाऊंगा। जाओ और पता लगाओ कि तालिस्मान का दूसरा हिस्सा कहाँ है। ये शिफाजान ऐसा क्या कर रहा है कि बच्चे शैतान में तब्दील हो रहे हैं? दवाइयां तो वही इस्तेमाल कर रहा है जो मिरवैस कर रहा था, तो अलग क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये परवाज़ के बच्चों को और नुकसान पहुंचाए, मुझे इस शिफाजान के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढकर इसका पर्दाफाश करना होगा। ये क्या चीज है? ये सब तेरे जादू का कमाल है मेरे नायाब। तेरे जादू से ही मैंने उन बच्चों को परवाज की काली काली में भेज दिया। अब कोई रोक नहीं सकता उन्हें, कोई नहीं। हमें हमारे अब्बू की कसम है, बहुत दर्दनाक मौत देंगे हम तुझे सद्दाम। इस ख्वाब को हकीकत में बदल के रहेंगे हम। चल। सिर्फ जज्बात में आकर हम सद्दाम को नहीं मार सकते, हमें बड़ी ही चालाकी से पहले उसकी मुहाफिजों को रास्ते से हटाना होगा। सद्दाम के करीब जाने के लिए सबसे पहले हमें अपना हुलिया बदलना चाहिए। तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो आधी रात को? मैं तुम दोनों से बात कर रही हूं, उधर नहीं इधर देखो। मुझे घूर रहा है? देखने के लिए कहा था, घूरने के लिए नहीं। अलीफी, तुमने भाभी को मारा? भूल गई क्या कि बाबा क्या कहते हैं? हमें अपने से बड़ों को कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे बड़े कितना ही खून क्यों ना पी रहे हो हमारा। तुमने भाभी को क्यों मारा? परेशान करी थी, मुझे पसंद नहीं आई। और इमान, तू क्या खड़े खड़े देख रहा था? अलीफी को रोक नहीं सकता था क्या? इन दोनों में अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई? तुम दोनों तो हम पांचों में से सबसे ज्यादा समझदार हो। क्या हो गया है तुम दोनों को? अपने सवालों से बार बार तंग मत करो हमें, वरना तुम्हें भी नाजिया भाभी के साथ सुला दूंगी। अलीफी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बात सुनो। ईमान, मेरा हाथ छोड़ो ईमान। पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, ना हाथ उखड़ कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। वैसे हैरानी से देखने की जरूरत नहीं, जाओ। ये अलीफी और ईमान को क्या हो गया? पहले तो वो कभी ऐसे बातें नहीं करते थे, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लगता है बाबा के आने तक मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। सुनो खिदमतगार, रहबर के खाने पीने का इंतजाम करो, वो खाना खा के थोड़ी देर आराम करे। और सुनो, ये गुसल खाना कहाँ है? आइए जनाब। मुराद, ये कैसा गुसल खाना है? दरवाजा खोलो! ये तो किसी इंसानी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ये बिल्कुल अकेला है इस वक्त, यही मौका है जब हम इसे मारकर अपने अब्बू की मौत का बदला ले सकें। दाद देता हूं मैं तेरी हिम्मत की, जो तू यहां चला आया। अंदर तो आ गया है, लेकिन बाहर तेरी सिर्फ लाश जाएगी। बचने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। आप यहाँ आ तो गए हैं सद्दाम, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे।